उत्तर प्रदेश हो या देश विदेश, लाइफस्टाइल हो या मनोरंजन जगत, हर खबर सबसे पहले पहुंचेगी आप तक। प्ले स्टोर से डाउनलोड करें हमारे मोबाइल ऐप अलाइव 24 न्यूज को। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज, मैं हूं आपके साथ मनु तिवारी। आइए रुक करते हैं देश विदेश की कुछ बड़ी खबरों पर। भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 37,724 नए मामले सामने आए, 648 की मौत। बिहार के समस्तीपुर के सिविल सर्जन की कोरोना से पटना के एम्स अस्पताल में हुई मौत। मुंबई में कोरोना के 1,02,000 केस, अब तक 5,700 से ज्यादा लोगों की मौत। दिल्ली यूनिवर्सिटी में सभी प्रोग्राम के लिए ऑनलाइन होगी प्रवेश परीक्षा। उत्तराखंड में भारी बारिश का अनुमान, 5 जिलों के लिए अलर्ट जारी। गाजियाबाद में गोली लगने से घायल हुए पत्रकार विक्रम जोशी की इलाज के दौरान मौत। मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस में दोषी ब्रजेश ठाकुर की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई आज। गाजियाबाद में घोषित 21 कंटेनमेंट जोन सील, मजिस्ट्रेट की हुई तैनाती। पटना में कोरोना की वजह से बीजेपी एमएलसी सुनील कुमार सिंह की AIIMS में मौत। भुवनेश्वर में कोरोना वैक्सीन का आज से शुरू हुआ ह्यूमन ट्रायल। जम्मू कश्मीर के डोडा में मुठभेड़, सेना ने हिजबुल के 2 आतंकियों को घेरा। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने 35 करोड़ रुपए की बाइबरी के आरोप लगाने पर कांग्रेस विधायक गिरिराज मलिंगा को लीगल नोटिस भिजवाया। बिहार के उप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार विधान परिषद के सदस्य सुनील कुमार सिंह के निधन पर अपनी गहरी शोक संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि उनका निधन राजनीतिक एवं सामाजिक क्षेत्र के लिए अपूर्णीय क्षति है। दिल्ली हवाई अड्डे ने COVID-19 को लेकर यात्रियों के लिए जारी किए नए दिशा निर्देश। श्री राम मंदिर भूमि पूजन के दिन पर शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने उठाए सवाल, कहा शुभ मुहूर्त नहीं। मैक्सिको में कोरोना से मरने वालों की संख्या 40,000 के पार हुई। अमेरिका में शिकागो के ग्रेशाम नेबरहुड में फायरिंग, 11 घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। विश्व में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1 करोड़ के ऊपर के पार, EU में $21 अरब का बजट मंजूर। अमेरिका ने चीनी हॉकरों पर कोरोना वैक्सीन से जुड़ी जानकारी चुराने का आरोप लगाया। अमेरिका ने चीन की 11 और कंपनियों पर लगाए प्रतिबंध। कोरोना वैक्सीन पर अब चीन को भी मिली बड़ी कामयाबी, दावा ठीक हो रहे मरीज। पैसे न देने पर लखनऊ के RLB स्कूल के पास बेखौफ दबंगों ने महिला और उसके पति को पीटा, पीड़ित का आरोप, आरोपी आए दिन करते थे मारपीट, पुलिस शिकायत के बाद भी नहीं हुई सुनवाई। काकोरी पुलिस को मिली सफलता, 3 छात्री चोर किए गिरफ्तार, दुकान में घुसकर की थी चोरी। डायरेक्टर्स का बड़ा ऐलान, अनुभव सिन्हा, हंसल मेहता का बॉलीवुड से इस्तीफा। सौरभ भास्कर ने मांगी सुशांत सिंह राजपूत के घर वालों से माफी। अब तक इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अलाइव 24 न्यूज। देश और दुनिया की सबसे पहले खबर पाने के लिए हमारे चैनल अलाइव 24 न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।